खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। वाराणसी और चंदौली में आईएसआई एजेंट के घर एनआईए का छापा पड़ा है। आरोपी मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर महत्वपूर्ण ठिकानों के फोटो भेजने का आरोप लगा है। कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है आरोपी राशिद। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए ने मोबाइल और अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो एनआईए ने मोबाइल और अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वाराणसी और चंदौली में आईएसआई एजेंट के घर एनआईए का छापा पड़ा है। आरोपी मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मोहम्मद राशिद के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण ठिकानों के फोटोज भी भेजने का आरोप है मोहम्मद राशिद पर। कई बार पाकिस्तान जा चुका है यह आरोपी। इसके अलावा एनआईए ने मोबाइल और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी और चंदौली में आईएसआई एजेंट के घर एनआईए का छापा पड़ा है। आरोपी मोहम्मद राशिद को मौके से गिरफ्तार तो कर लिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आरोपी पर महत्वपूर्ण ठिकानों के फोटो भेजने का आरोप है। पाकिस्तान से मोहम्मद राशिद के तार जुड़े हैं। कई बार वो पाकिस्तान भी जा चुका है। इसके अलावा फिलहाल एनआईए अपनी छानबीन लगातार कर रही है और इसमें मोबाइल और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला क्या कुछ है, आखिर क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल ताजा? देखिए, आज से करीब 6-8 महीने पहले राशिद नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। आईएसआई के लिए काम करने का इस पर आरोप था और उसके बाद से ही राशिद को लेकर अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम उसकी निशानदेही पर छापे डालते रही है। और इसी क्रम में वो कल उसके ननिहाल पहुंची थी जो कि चंदौली जिले में पड़ता है। हालांकि राशिद की गिरफ्तारी 6-8 महीने पहले बनारस से हुई थी, लेकिन उसको एनआईए की टीम कल चंदौली लेकर गई थी उसके ननिहाल में, और वहां से कुछ चीजें एनआईए ने उसकी निशानदेही पर अपने गिरफ्त में लिया है। और उसके बाद फिर उसको लेकर देर रात ही वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी। तो 4-6 घंटे रुकी थी एनआईए की टीम उसके ननिहाल में और लगातार कई जगहों पर उसके उससे पूछताछ के आधार पर उसके निशानदेही पर एनआईए छापे डालते रही है। तो इसी क्रम में कल चंदौली पहुंची थी एनआईए की टीम। फिलहाल रशीद को लेकर एनआईए की टीम इस समय लखनऊ में है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है आरोपी राशिद, इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हैं। मोबाइल और कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान, अनजान आदमी जो कि यहाँ पर रह रहा था, आईएसआई का एजेंट है और वो यहाँ पर किसी हमले की साजिश में भी होगा? देखिए, पिछले 10 सालों में 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आईएसआई के लिए काम करने के शक के आधार पर। और ये जो राशिद है इसको भी जब गिरफ्तार किया गया था तो इस पर आरोप लगा था कि ये जोधपुर में कुछ सैन्य ठिकानों की फोटो ले रहा था और इसके पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कुछ फोटो भेजा भी था। 2-3 और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में भी ये सक्रिय था। और 2017 में ये आईएसआई एजेंट आसिम और अहमद के संपर्क में आया था, इस पर ये आरोप है। तो लगातार अलग अलग जगहों पर, राजस्थान के भी कई इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके हैं जहां इसको लेकर एनआईए की टीम लगातार जा रही है और इसी क्रम में उसके ननिहाल पहुंची थी। निश्चित रूप से एक मोबाइल फोन भी एनआईए ने अपने कब्जे में लिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेने की खबर है। लेकिन आपको पता है, चूंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मसला होता है, बहुत ज्यादा खबरें आ नहीं पाती है कि क्या कुछ चल रहा है एनआईए में, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी निशानदेही पर कई जगहों पर अभी एनआईए की टीम इसको लेकर जाएगी और अपनी जांच पड़ताल करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।